नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जन्माष्टमी के व्रत को लेकर अक्सर उलझन की स्थिति रहती है और इस बार भी यही दुविधा है कि व्रत 23 अगस्त शुक्रवार को किया जाएगा या फिर 24 अगस्त शनिवार को करना उत्तम होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अष्टमी तिथि का आरंभ 23 तारीख को सुबह 8:09 पर हो रहा है, जबकि रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 24 तारीख की सुबह 3:48 पर हो रहा है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र व्यापनी अष्टमी तिथि को ही जन्माष्टमी व्रत करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण का अवतार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और चंद्र के वृष राशि में संचार के दौरान आधी रात को हुआ था, लेकिन ऐसा संयोग इस साल नहीं बन रहा है। इस तरह की स्थिति में व्रत को लेकर कहा जा रहा है कि जिस दिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि होती है उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसीलिए यहाँ पर अष्टमी व्यापिनी नवमी के दिन व्रत पूजन की परंपरा रही है। इसीलिए मथुरा वृंदावन में 24 अगस्त को व्रत पूजन किया जाएगा। तो अभी से हमारे सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार द्वारकेश बर्मन की रिपोर्ट, आज की खबर, लखनऊ।